उत्तर प्रदेश के हरदोई में समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजपाल कश्यप ने सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि इस समय सरकार घमंड में है और इसलिए विपक्षी दलों के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा कि जब सपा की सरकार आएगी तो फर्जी मुकदमे दर्ज वापस लिए जाएंगे। पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए एमएलसी ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार बदले की भावना से काम कर रही है। हम लोगों ने सरकार रहते हुए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन बीजेपी सरकार लगातार भेदभाव से काम कर रही है और हमारे नेता और विपक्ष को लगातार परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आजम खान को पता नहीं कैसे कैसे मुकदमे लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। योगी के क्षेत्र से लेकर पूरे प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल मूल मुद्दों से ध्यान हटाने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि गरीब परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार मिल नहीं रहा और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। उन्होंने यह कहा कि कोई काम नहीं, केवल उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। वह भी अखिलेश यादव ने जो काम किए उन्हीं का उद्घाटन हो रहा है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। सरकार की गुंडई जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जो सरकारी गुंडे घूम रहे हैं और सरकार गुंडई करवा रही है, वो सरकारी गुंडई बर्दाश्त नहीं होगी। जनता के साथ में अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी और बीजेपी केवल ध्यान हटाने का काम कर रही है। बीजेपी कहीं मूल मुद्दों से ध्यान हट जाए, गरीब परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार मिल नहीं रहा और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, उत्तर प्रदेश का विकास ठप्प हो गया, कोई काम नहीं, केवल उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए उन्हीं का उद्घाटन कर रहे हैं। कोई नया काम बता दें, कोई नया काम, चार बजट हो गए, कहीं 4 किलोमीटर भी सड़क बनाई हो तो बता दें। इसी हरदोई जनपद में मैं पूछना चाहता हूं, 4 किलोमीटर भी सड़क बता दें तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ये हरदोई लखनऊ से लेकर और शाहजहानपुर तक सड़क बनवाने, और थोड़ा काम छूट गया था बालागंज चौराहे पे, वो आज तक नहीं कंप्लीट हो पाया, 4 लेन का आज तक नहीं कंप्लीट हो पाया। ये क्या क्या कर रहे हैं? इनके पास 55 जिले माननीय अखिलेश यादव जी ने 4 लेन से जोड़ने का काम किया था। एक्सप्रेस वे 350 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे रिकॉर्ड समय में बनवा खड़ा कर दिया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 70% जमीन एक्वायर हो गई थी, 80% टेंडर हो गया था और काम चालू हो गया था। इनके तो चार बजट हो गए, अभी 4 किलोमीटर सड़क नहीं बना पाए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। और बात करेंगे नए नए एक्सप्रेस वे की, और एक्सप्रेस वे में भी अपने ठेकेदारों को देने के लिए टेंडर कैंसिल कर दिया और उसकी चौड़ाई कम कर दी, उसकी लंबाई कम कर दी और उसमें जो सुविधाएं होती थी मंडी और जन सुविधा केंद्र वो सब बंद कैंसिल कर दिए और करें सस्ता बनाएंगे। ये केवल ढकोसलेबाजी करते हैं और झूठ बोलते हैं। और योगी के रूप में अगर मुख्यमंत्री बैठ के झूठ बोलेगा तो इस देश में कलयुग के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर योगी झूठ बोलेंगे। हरदोई का सवाल ले लेते हैं सर। सदर विधायक नितिन अग्रवाल लिए आपकी पार्टी ने दल बदल कानून के तहत नोटिस भेजा था विधानसभा तक, उसमें क्या तब कहा गया था अगर विधानसभा अध्यक्ष को ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप लोग आंदोलन करोगे? देखिए, ये तो विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेना है और हमारी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिख के दे दिया है। अब विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेना चाहिए और अगर इनको ज्यादा घमंड लगता है, इनको लगता है कि हमें बहुत जनाधार वाले नेता हैं, बहुत हमें ताकत है, तो उनको खुद ही स्वयं इस्तीफा देकर चुनाव लड़ लेना चाहिए। सीमा थी उसकी, वो निकल चुकी है। अब इसके बाद आपकी पार्टी का क्या निर्णय? अब हमारी पार्टी, अभी तो विधानसभा अध्यक्ष देखिए स्वतंत्र होते हैं, उनको निर्णय लेना है। अब विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेना, हम लोग विधानसभा अध्यक्ष को फिर पत्र लिखवाएंगे, फिर बात करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेना है, वो उन्हीं को निर्णय देना है। हमारी पार्टी का काम था कि उनके खिलाफ नोटिस देना, वो दे दिया है। आपकी पार्टी के नेता संजय कश्यप, उनके ऊपर अभी धनुगाही का आरोप लगाया। आपकी पार्टी के नेता संजय कश्यप, उनके ऊपर अभी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि असलाह कराने के नाम पर जो सपा सरकार थी 2014 में, उन्होंने हमसे पैसे की वसूली कर ली, उसकी उन्होंने शिकायत की है, उस पर क्या कहना? अब वो देखते हैं कौन था, क्या है क्या नहीं, वो हम दिखवाते हैं, बात करेंगे। और ये, अरे ये देखो, देश की सरकार पूरी जनता से सिलेंडर के नाम पे 1000 रुपए में लूटने जा रही है, पूरा देश लूटे रही बीजेपी सरकार, इसको भी तो देखो। अच्छा, एक सवाल और शिवपाल यादव 2017 के चुनाव में शिवपाल जी और अखिलेश जी अलग अलग चुनाव लड़े, नुकसान उठाना पड़ा।
2017 के चुनाव में शिवपाल जी और अखिलेश जी सपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा, शिवपाल जी ने अपनी अलग पार्टी बना दी। अभी कल शिवपाल यादव का बयान आया है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे 2022 में, क्या लेते हैं चाचा भतीजे एकदम सब एक हो गया? देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, माननीय अखिलेश यादव जी अपना निर्णय लेंगे, लेकिन अब जनता चुनाव लड़ने जा रही है, जनता इंतजार कर रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी जिस दिन देखना जहां जहां जा रहे हैं, कितने जिलों में गए, लाखों लोग, परिवार में सब ठीक हो गया सर? अब वो परिवार का काम वो हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी निर्णय लेंगे जो भी होगा, लेकिन आज बड़ी समस्या ये है कि लोग भुखमरी से मर रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बनारस जो देश का प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली, बच्ची, आप बताइए ये देश के प्रधानमंत्री इनको शर्म नहीं आती क्या? बच्ची ने कहा, इतनी गरीबी की जर्जर स्थिति, बेरोजगारी की ये दशा थी, बच्ची ने कहा पापा हमको नींद की गोली खिला देना और उसके बाद में मेरी गर्दन दबा देना, तो ये शर्म नहीं आती देश के प्रधानमंत्री को? दुनिया में बेइज्जती करा रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। योगी के क्षेत्र में बच्चे मर रहे हैं, आप इंसेफ्लाइटिस फैल रही, तो ये देश के बड़े मुद्दे हैं। देश में पिछड़ों दलितों का आरक्षण खत्म किया जा रहा, पिछड़े और दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया गया, वैकेंसियों में आरक्षण मिल नहीं रहा, देश की जितनी भी संपत्ति है उसको निजी क्षेत्रों में देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बेचे दे रहे हैं, ये बड़े समस्या है। सर सीए के विरोध में दिल्ली में हिंसा हुई, लखनऊ में हिंसा हुई, कानपुर में हिंसा हुई, आपकी पार्टी ने कहा कि हम सीएए का विरोध करेंगे, सीएए से नुकसान क्या है, किसका क्या जाना, ये बता। अच्छा ये बता दो, मेरी जेब में कितने कार्ड रखे हैं? आधार कार्ड रखा है, पैन कार्ड रखा है, और उसके बाद में विधानसभा का कार्ड रखा है, निर्वाचन कार्ड रखा है, कितने कार्ड हम रखेंगे ये तो बताओ? सरकार ये तय कर ले एक कार्ड, और हम कह रहे हैं अभी जाति जनगणना कर, वो जनगणना करवा रहे हैं, जनगणना में इनको क्या शर्म आ रही? अगर पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, ये जाति जनगणना का नोटिस है, इसमें देखिए मैं निकलवा के लाया हूँ, इसमें पूछ रहे हैं कौन सा मकान बना है, कौन सी मोटरसाइकिल बनी है, कौन सा क्या क्या घर में तुम्हारे है, और उसके बाद में क्या हमसे ये नहीं पूछ सकते आप किस जात के? हमारी गिनती करने से क्यों डर रही सरकार? सरकार को चाहिए, और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं, और विधानसभा में और विधान परिषद में भी हम लोगों ने उठाया कि जाति जनगणना हो जाए, सबकी जितनी जातियां हैं सबकी गिनती हो जाए, और ये आरक्षण का झंझट खत्म किया जाए, सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाए। ठीक है, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.